नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद। तो आईपीएल 2021 के ऑक्शन का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो चुका है, क्योंकि अब ऑक्शन जो है वो लगभग 11 फरवरी को होने वाला है, जिसकी तारीख अभी तक सामने आई है। कई सारी टीमों को अब जो है आईपीएल की गवर्निंग कमेटी जो है वो बता चुकी है कि अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर जो है वो सौंप दिए जाए। 21 जनवरी जो है वो आखिरी डेट है, उसके बाद बाकी 8 टीमें जो है वो तय करेगी किस टीम को रखना है, किस टीम को किस खिलाड़ी की ज़रूरत है, किस टीम में कौन सा खिलाड़ी आएगा, किस खिलाड़ी को बाहर करना है। तो 21 जनवरी तक सभी 8 टीमों को अपनी एक लिस्ट बनानी है, जिसमें रिलीज और रिटेन के प्लेयर्स जो हैं वो सौंपने हैं। साथ ही अब ये खबर भी आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ को टीम जो है बाहर करना चाह रही है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं था। पिछले साल उनकी टीम जो थी 8वें स्थान पर पहुंची थी, जबकि स्टीव स्मिथ ने भी 311 रन बनाए थे और 3 शतक उसमें शामिल थे। तो स्टीव स्मिथ को उनके खराब प्रदर्शन के चलते राजस्थान रॉयल जो है वो इस बार बाहर करना चाह रही है, यानी कि रिटेन लिस्ट में नहीं डालना चाहती, वो रिलीज लिस्ट में स्टीव स्मिथ को डालना चाहती है और उनकी जगह कप्तानी जो है वो शायद संजू सैमसन को सौंपी जा सकती है, ऐसी जो खबरें आ रही है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर इतने अनुभवी नहीं है, लेकिन उनको भी एक यंग कप्तान के रूप में टीम में देखा, उन्हें कप्तानी सौंपी और वो प्लेऑफ में भी पहुंची थी। तो यही सेम चीज़ जो है राजस्थान रॉयल भी करना चाह रही है कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को कप्तानी सौंपकर एक नई टीम को तैयार करिए, यंग टीम को तैयार करना चाह रही है। तो स्टीव स्मिथ के लिए अभी खतरा यह है कि उनका खराब प्रदर्शन, उनकी कप्तानी खराब रही थी, वो अपना बल्लेबाजी क्रम जो थे वो बार बार ऊपर नीचे करते रहे, जिसके कारण राजस्थान रॉयल जो है इस साल ऑक्शन में उन्हें अपनी टीम का हिस्सा नहीं रखना चाहती, उन्हें रिलीज करना चाहती है और संजू सैमसन को शायद वो कप्तानी दे सकते हैं, जिससे उनकी एक फ्रेश टीम तैयार हो जाए। साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में वो केरल की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं और उनकी कप्तानी ठीक ठाक भी है, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनका चयन भी हुआ था और पिछले साल हमने देखा था कि संजू सैमसन की बल्लेबाजी आईपीएल में काफ़ी शानदार रही थी शुरुआती मैचेस में, बीच में थोड़े उनकी फॉर्म ख़राब रही लेकिन फिर अंत में आते आते उनकी फॉर्म वापस बढ़िया हो गई थी। तो खबर अभी यही है कि आईपीएल 2021 के ऑक्शन में स्टीव स्मिथ का लगभग बाहर जाना तय है, राजस्थान रॉयल्स उन्हें रिलीज कर सकता है और संजू सैमसन को शायद कप्तानी सौंपी जा सकती है। बाकी तमाम आईपीएल की ऑक्शन की खबरें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की खबरों के लिए आप एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि राजस्थान रॉयल का इस बार कप्तान कौन होगा, उसका कॉमेंट भी आप कॉमेंट सेक्शन नीचे दे सकते हैं। धन्यवाद।